एबीपी के सभी दर्शकों को बहुत सारा राम राम, प्रणाम और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, आपके स्वास्थ्य संबंध में, ये दिवाली से उस दिवाली तक क्या होने वाला है, और धन के संबंध में, कर्ज के संबंध में, इस दिवाली से अगले दिवाली तक की क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण क्या है, हर राशि का वो उपाय जो आपको करना ही करना है। देखिए, समस्या होगी भी तब भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, मिलेगी, क्योंकि वो निराश नहीं करती अपने बच्चों को। तो तैयार हो जाइए, अपनी जन्म राशि को याद कर लीजिए, अपने लोगों की जन्म राशि को भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये सुनने के बाद आप उनको भी जरूर बताएंगे, और उसके साथ साथ वो लोग जिनको उनकी जन्म राशि नहीं पता, उनका प्रसिद्ध नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसी को अपनी राशि मानकर ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लोगों को घर गृहस्थी के मामले में थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने थोड़े से कमजोर हैं। खास तौर से मेष राशि के वो लोग जिन्होंने अभी काम शुरू किया था, लगभग 19 में काम शुरू किया था और उन्होंने पार्टनरशिप में काम शुरू किया था, उन लोगों को बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पार्टनरशिप में दरार पड़ने का समय शुरू हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टनरशिप में बड़ी दरार आ जाए और आपको आर्थिक हानि सहनी पड़े, या वाद विवाद में उलझना पड़े, या मुकदमों में फंसना पड़े। इसलिए ये 12 महीने बहुत सोच समझ कर निकालने की आवश्यकता है। लेकिन चिंता मत करिएगा, बहुत सारे उपाय हैं, भगवती कृपा से आप एकदम ठीक रहेंगे, कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों को अपने शरीर के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। कैसे सतर्क रहेंगे, बहुत सरल है, खान पान अच्छा करिएगा, व्यायाम अवश्य कीजिएगा, और अब जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो जरूर कर लीजिएगा। तो मेष राशि, जिनके जन्म नाम से मेष राशि है या जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, वो लोग सबसे पहले आर्थिक उन्नति के लिए उपायों को नोट कर लें। गुगजी जिसे लाल रत्ती दाना भी बोलते हैं, आप गुगजी को ओम ऐम ह्रीम क्लीम नमः चंडिकाए की एक माला से शुद्ध कर लीजिएगा, और उसके बाद सफ़ेद रंग के कपड़े में गुगजी के उन दानों को बंद कर दीजिएगा, सिल दीजिएगा उसे चारों ओर, और जब आप सोया करें तो अपने सर के नीचे लगा लिया कीजिएगा। क्रोध मत कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई नई चीज़ शुरू करने या पुरानी चीज़ छोड़ने का निर्णय भी मत लीजिएगा। घर गृहस्थी की शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा प्रयत्न अवश्य कीजिएगा, आपकी दिवाली शुभ होगी। वृषभ राशि की बात करता हूँ। जन्म से जिन लोगों की वृषभ राशि है, वो थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे तो ये दिवाली उनके लिए वास्तव में शुभ दिवाली हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए घर गृहस्थी की कुछ समस्याएं रहेंगी, कुछ शत्रु पक्ष भी बलवान होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप चिंता ना करिएगा, मेरे पास कुछ उपाय हैं जो आपकी इस दिवाली से उस दिवाली तक का जो समय है वो बहुत आराम से गुजरवा देंगे। बस आपको इन 12 महीनों स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और स्वास्थ्य के लिए एक उपाय बताऊं आपको, चांदी पहन लीजिएगा, चाहे आप किसी उंगली में जिसमें आपको अच्छी लगे वहाँ पहन लीजिए, चांदी का ब्रेसलेट पहन लीजिए, चांदी की चेन पहन लीजिए, या चांदी के गिलास में नियमित रूप से जल पीना शुरू कर दीजिएगा, देखिएगा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। वृषभ राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल रहने वाली है, बचत पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए अपनी बचत बढ़ाते रहिएगा और जुड़े हुए धन में से ज़्यादा हिस्सा बचत के लिए बना कर रखिएगा, अन्यथा ये नुकसान बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है। तुरंत फुरत में कोई निर्णय मत लीजिएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी सही होगी। कैसे सही होगी, फटाफट उपाय नोट कीजिएगा। वृषभ राशि के लोगों को सोमवार और शुक्रवार दूध का दान करना नहीं भूलना इन 12 महीने, यानी इस दिवाली से अगली दिवाली तक। आपने यह उपाय यदि कर लिया तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, सुख शांति समृद्धि वैभव यह आपका साथ छोड़ेगा नहीं। जरा सा उपाय है,
कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं। तो जिन लोगों की जन्म नाम से या जिन लोगों की चंद्रमा के अनुसार राशि वृषभ बनती है, वो यह उपाय करें और मस्त रहें। आप सभी लोगों को दीपावली बहुत शुभ हो। मिथुन राशि की बात करता हूं। देखिए, प्रेम संबंधों के कारण या बॉस से संबंध बिगड़ने के कारण या किसी सरकारी अधिकारी के साथ संबंध बिगड़ने के कारण आपको कुछ महीने परेशानी हो सकती है। ख़ास तौर से दिसंबर, फरवरी, मार्च, जून, ये वो महीने हैं जिसमें कहीं कोई परेशानी हो सकती है जिसका बहुत बुरा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति सही बनी रहे इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर कर लीजिएगा। और उपाय क्या है कि रोज़ सुबह जो भी आप रोटी खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, जो भी कुछ खाते हो, उसका एक हिस्सा छोटे छोटे टुकड़े करके छत पर डाल दीजिएगा जिससे पक्षी आकर खा लिया करें। और ये कभी मत भूलना कि रोज़ाना साफ पानी आपको पक्षियों को पीने के लिए, उनके स्नान के लिए ज़रूर रखना है। कोई बहुत बड़ा उपाय है। अब दूसरी बात आती है स्वास्थ्य की। पेट, पीठ, कमर को लेकर परेशानियां हैं, श्वास को लेकर परेशानियां हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों की श्वास की परेशानी रहती है या जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत रहती है, उन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने की कोशिश करनी होगी। और इसके लिए आप चिकित्सीय सलाह लेने में बिल्कुल मत चूकिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, गुनगुना पानी रोज़ाना दिन में 2-3 बार पीजिए। जाड़े हैं तो पी ही सकते हैं, लेकिन गर्मियों में भी पीना है। अगली दिवाली तक ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक छोटी सी बात, छोटा सा रुद्राक्ष का दाना, अगर पूरी माला हो तो बहुत ही अच्छा है, वो चांदी में मड़वा के माँ के हाथ से अपने गले में धारण कर लीजिएगा यथाशीघ्र, ठीक है ना। ये 4, 5, 6, 7 इन 4 दिनों में कभी भी ऐसा कर लीजिएगा, यह आपको बहुत शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। ये एक ओर आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे कवच बन के, तो दूसरी ओर आर्थिक क्षेत्र में भी गलत निर्णय लेने से रोक देंगे। तो दिवाली मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत शुभ हो, ये मेरी कामना है। कर्क राशि की बात करता हूं। कर्क राशि के लिए ये समय अभी थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, संबंधों के चलते या घर में, घर गृहस्थी में तनाव के चलते आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। लेकिन यह मैं आपको बता रहा हूं कि ये दिवाली से अगली दिवाली के बीच का जो समय, ख़ास तौर से 15 जनवरी के बाद से जो समय शुरू होगा, ये आपके लिए आर्थिक उन्नति लाएगा, सामाजिक उन्नति लाएगा। तो संबंधों को निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इन संबंधों की वजह से आपका आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर पड़ जाए। और अगर आप संबंधों को निभा ले गए तो ये तय मानिएगा कि आपका आर्थिक पक्ष सबल होगा। तो ये ज़रूर है कि संघर्ष है, लेकिन यदि आप अनुशासन से अपने रास्ते पर अडिग रहें और चलते रहें और कर्मठता से काम करते रहें, तो आपका आर्थिक पक्ष विपन्नता से संपन्नता की ओर जाएगा। उपाय क्या करने हैं? एक तो एकादशी का उपवास ज़रूर किया कीजिएगा। और दूसरा काम क्या करेंगे, जिस दिन आपका एकादशी का उपवास हो, उस दिन आप चावलों का दान किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर कर दिया कीजिएगा। और आप देखेंगे नारायण की कृपा से आप विपन्नता से संपन्नता की ओर जाएंगे। अब कर्क राशि के स्वास्थ्य की बात कर लूँ। इस दिवाली से अगली दिवाली के बीच में जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अनुशासित जीवन, व्यायाम, दिनचर्या, भोजन, इसके माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की। जन्म राशि जिनकी सिंह है, उन लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। आप ये सोच रहे हैं ना, और आप ही नहीं सभी सोचते हैं कि धन वर्षा हो जाए, अचानक बैठे बैठे घर का छप्पर फट जाए। हालांकि छप्पर अब बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कहावत तो यही है ना, छप्पर फट जाए और धन ही धन गिर पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी परेशानी से तो जूझ रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? वाणी, आपकी वाणी आपके नुकसान का कारण बन सकती है। माँ लक्ष्मी का पदार्पण आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपनी नौकरी के स्थान में या आपके घर में रोक सकती है, बस ये ध्यान रखिएगा। वाणी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, गुस्से से बचने की कोशिश करें। और जो एकदम
अब कड़वे शब्द अगर बोल देते हैं तो उसको बोलने से बच जाइएगा, अन्यथा नुकसान होगा। अब कैसे होगा उसके लिए हजारों परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन बनेंगी वाणी से, इसलिए वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, सदुपयोग कीजिएगा। दूसरी बात, जो परेशानियां अभी चल रही हैं, खासतौर से मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है और वह कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा, तो वो लोग क्या करें? नारियल, ये उपाय लिखिए, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, सुख संपत्ति समृद्धि मिलेगी। कैसे? नारियल से मिल जाएगी। एक छोटा सा उपाय स्वास्थ्य के लिए आप एक जरूर कर दिया कीजिएगा, उड़द की दाल शनिवार को किसी जरूरतमंद को अवश्य दे दिया कीजिएगा। ये दिवाली अच्छी होगी, अगली दिवाली तक सब प्रभु की कृपा से अच्छा ही होगा। चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए, कार्य कीजिए, जो उपाय मैंने बताए हैं, जो व्यवहार में परिवर्तन मैंने बताए हैं, जरूर कर लीजिएगा। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आपको आंख खोल कर रहना है, कान खोल कर रहना है, एकदम किसी पर विश्वास नहीं करने लग जाना है, एकदम किसी पर भरोसा नहीं कर बैठना है। धीरे 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 खुद चीज़ों को एग्जामिन करते हुए आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप परेशानी में फंसते फंसते बच गए। उपाय क्या करेंगे? चांदी का एक सिक्का दीपावली के दिन लेना है, उसमें कुछ अक्षत भी रख दीजिए, डिबिया में बंद कीजिए, माता जी को प्रदान कीजिए, माता जी के चरणों में मस्तक लगाइए। आप देखिएगा आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, धन मिलेगा आपको, नए कार्य शुरू होंगे, नौकरी बचेगी, व्यापार बचेगा, और ये कार्य आप अक्सर किसी सोमवार अथवा शुक्रवार को करते रहा कीजिएगा। महीने में एक बार चांदी की कोई चीज अक्षत के साथ रख के माता जी को दे दिया और उनके चरणों में मस्तक लगा दिया, यह आप करना शुरू कीजिए और देखिए लाभ होगा। एक चीज मैं खास आपसे कहना चाहूंगा, कन्या राशि के लोगों को अपने रिश्ते बनाकर रखने होंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी आर्थिक उन्नति होगी। अब स्वास्थ्य की चर्चा कर लें। कन्या राशि के लोगों को अभी दिसंबर तक यानी अगली दिवाली तक तो मान के ही चलिए कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, लेकिन दिसंबर जनवरी मार्च जून इन महीनों में विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से भी मानसिक शांति खत्म होती है, घर गृहस्थी में झगड़े होते हैं, धन खत्म होता है, और अगला जो कदम आप उठाने जा रहे हैं धनार्जन के लिए वह उठा नहीं पाते। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए महामृत्युंजय का 21 बार जप सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठकर जरूर कर लिया कीजिएगा। तुला राशि के वह लोग जो मैरिज के लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों के लिए यह अच्छा समय है, रिश्ते जोड़ने के लिए या घर में संतान आने के लिए या वाहन खरीदने के लिए या मकान खरीदने के लिए या मकान बनवाने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। आर्थिक उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है अगली दिवाली से पूर्व, लेकिन धन बाढ़ की तरह से आ जाए इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, खास तौर से नौकरी छोड़ के व्यापार करने का निर्णय लेने में 100 बार सोचना, तब 101वीं बार अपना निर्णय लेना, अन्यथा बहुत बुरी परेशानी में उलझ जाएंगे। स्वास्थ्य की चर्चा भी करें क्या? बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं श्वास प्रश्वास क्रिया में परेशानी दिखाई दे रही है, स्टेमिना कम होता दिखाई दे रहा है, कमर पर दिक्कत दिखाई दे रही है, घुटने में दिक्कत दिखाई दे रही है, जोड़ों में परेशानी दिखाई दे रही है, और इस सबसे बचने के लिए क्या, ठंडी चीज़ें छोड़ दीजिए। कभी बहुत मन है भी जैसे दही चावल आइसक्रीम आदि खाने का तो दिन में खाइए, रात में नहीं, रात में सलाद भी मत खाइए। ठंड से अपने आप को बचाना होगा, इन्फ्लेमेशन से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, नहीं तो गांठों में सूजन की वजह से आप काम करने से रुक जाएंगे। चिकित्सक से सलाह भी ले लीजिएगा और एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, और वो यह है कौड़ी चांदी में मढ़वा लीजिए और 4, 5, 6 इन तीन में से किसी भी दिन सूर्य अस्त के बाद 48 मिनट के भीतर उसे अपने गले में धारण कर लीजिए, चाहे चांदी की चेन में कर लीजिए, चाहे सफ़ेद रंग के धागे में कर लीजिएगा। कवच बन के स्वास्थ्य और धन दोनों की यह कौड़ी
रक्षा करेगी। कहने भर की बात है ये दो कौड़ी, लेकिन ये जो कौड़ी होती है जिंदगी बदल देती है। हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं भाग्य की उन्नति के लिए। वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो जिन लोगों की वृश्चिक राशि है जन्म के अनुसार, उन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कठिनाई से आगे बढ़ेगी, लेकिन रुकेगी नहीं। स्वास्थ्य की बात करूं, पेट अच्छा नहीं है और उसके साथ साथ सर आंखों की भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। स्वास्थ्य को लेकर ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हृदय भी आपका आपके अनुसार या एक स्वस्थ पुरुष के अनुसार काम नहीं कर रहा। क्या करेंगे? भोजन पर नियंत्रण रखिएगा, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और उसके साथ साथ महामृत्युंजय का जप जरूर कीजिएगा, प्रतिदिन 21 बार मात्र, और अपने ऊपर से एक मुट्ठी चावल रोज उतार कर कहीं रख दिया कीजिएगा। जब वो भर जाए बर्तन तो फिर उसका दान कर दीजिएगा किसी जरूरतमंद को। आप फिट रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। दिवाली बहुत शुभ हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर खूब बरसे। धनु राशि की बात करता हूं। धनु राशि के लोगों के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होने का समय है। कुछ कुछ नया और विशेष हो सकता है आपके लिए। आप किसी अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। घर, वाहन, विवाह, संतान, इसके अच्छे योग बन रहे हैं आपके। इस दिवाली से शुरू होकर अगली दिवाली तक वह योग बने रहेंगे, इसलिए आप खुल के निर्णय लें और भागें, अपना काम करें। लेकिन खुल के निर्णय लेने का या भागने का मतलब ये नहीं है कि विवेकपूर्ण निर्णय ना लें, कुछ भी निर्णय ले बैठें, ऐसे नहीं होता है। ये जीवन है, इस जीवन में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो निर्णय तो विवेकपूर्ण लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बंधन नहीं। इस दिवाली पर बहुत सारे बंधन आपके कम होते जा रहे हैं, इसलिए जम के काम कीजिए और हर बृहस्पतिवार को शहद और हल्दी का दान जरूरतमंद को जरूर कर दिया कीजिए। अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं किसी कारणवश, कोई बात नहीं, मंदिर में जाकर रख दीजिएगा, बहुत उन्नति होगी, तरक्की होगी, आगे बढ़िए। स्वास्थ्य की जहां तक चर्चा मैं कर रहा हूं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को हृदय या पेट की दिक्कत रहती है वो ध्यान रखें। शुगर भी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए क्रोध और तनाव से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? बहुत सरल है, बहुत सरल है। चांदी के बर्तन में या कोई डिबिया ले लीजिए जैसे, उसमें सफेद रत्ती के दाने, ठीक है ना, रत्ती सफेद भी होती है, सफेद रत्ती के दाने ले लीजिएगा 10 ग्राम 15 ग्राम, उस डिबिया में डालकर डिबिया को बंद करके अपने पास रखा कीजिएगा। सुरक्षा कवच रहेगा माँ लक्ष्मी का आप पर, ये ध्यान रखिएगा। और रोजाना एक लाल पुष्प माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित अवश्य कर दिया कीजिएगा। मकर राशि, जिनकी जन्म राशि मकर है, ये जरा ध्यान से चलें। बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत में लापरवाही कर दी या कमतरी कर दी या निर्णय लेने में जरा सी गलती कर दी या आंख मूंद कर कहीं साइन कर दिए, तो आप ये मान के चलिए कि परेशानी होना तय है, बचना होगा। खास तौर से जनवरी से जुलाई तक का जो समय है 2022 में, यहां बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। यद्यपि ये दिवाली माँ लक्ष्मी जी तैयार हैं आपको बहुत कुछ देने के लिए, इस दिवाली पर नारायण की कृपा तैयार है आपके लिए, लेकिन आपको अब इस कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और आप परेशानियों से बचे रहें, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। आर्थिक उन्नति आपकी अवश्य होगी। पीला कपड़ा ले लीजिए, जरा सा छोटा सा, ठीक है, 2 इंच बाई 2 इंच का पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें रत्ती के दाने, कौन से रंग के, लाल वाले, वह डाल दीजिएगा और दीपावली की रात को 11 बजे से 2:30 बजे के बीच में ओम लक्ष्मी नमः सिर्फ इतने ही मंत्र का जप जरूर कीजिएगा, कम से कम 5 मालाएं, और उसके बाद वह पूजनीय हो जाएगा, वह कवच का कार्य करेगा आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, प्रयत्न के लिए वो आपको सपोर्ट करेगा। फिर इसे आप अपने पास रखिए, चाहे पर्स में रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, लेकिन आप फिर इसे अपने पास रखिएगा, बहुत शुभ होगा। श्वास की जहां तक बात है, देखिए अगर कहीं श्वास संबंधी समस्या है या रक्त संबंधी कोई भी व्याधि है या
हड्डियों से संबंधित कोई भी व्याधि है हल्के से ना लें, चिकित्सीय सलाह जरूर लें और एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ, इसे अवश्य करते रहें। ओम दुम दुर्गाय नमः। दीपावली की रात को 12 से 2:30 के बीच में इस मंत्र का जप करें और अगली दीपावली तक नियमित रूप से इस मंत्र का जप सुविधा अनुसार दिन में कभी भी कर लिया करें। इस दीपावली में रात में 12 से 2:30 के बीच में इस जप का प्रारंभ करना है। समापन कब करेंगे? अगली दीपावली पर। और जब आप समापन करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराकर, क्योंकि ये समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। तो भगवान धन्वंतरी की, भगवान नारायण की, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे ये मैं कामना करता हूँ। खूब धन आए और उस धन का उपयोग भी कर सकें, ऐसा स्वास्थ्य भी आप पाएं। और इसके लिए ये उपाय जो मैंने बताए हैं जरूर कर लीजिएगा। इस वायदे के साथ की उपाय आप करेंगे, मैं आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कुंभ राशि, अनुकूल समय है। ये दिवाली पे मां लक्ष्मी आपके लिए बंधन खोल रही है, आगे बढ़िए। लेकिन मां लक्ष्मी का एक आदेश भी है और वो आदेश यह है कि बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। वो कहती है कि मैं रास्ते खोल रही हूं तुम्हारे लिए, लेकिन चलना सोच समझ कर। मैं बड़े स्पष्ट रूप से आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्नति होगी, तरक्की होगी, लोगों की मदद से तरक्की होगी, किसी के साथ से तरक्की होगी। मां लक्ष्मी वैसी कृपा आप पर इस दिवाली से प्रारंभ कर रही है। कब से? शाम को 6 बजे के बाद से। इसलिए शाम को 6 बजे के बाद जो भी आपके घर में पकवान मिष्ठान बने, सबसे पहले 8 वर्ष से छोटी कन्या को वह थाली जरूर भेंट कीजिएगा, कुछ धनराशि भेंट कर दीजिएगा, कुछ वस्त्र भेंट कर दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा चीजें बेहतर होंगी, भाग्य बेहतर होगा। इस दिवाली से अगली दिवाली के बीच में मां लक्ष्मी की कृपा और कैसे प्राप्त हो उसका एक उपाय बता रहा हूं। चांदी की एक ठोस गोली सफेद रंग के धागे में अथवा चांदी की चेन में दीपावली की रात को जब पूजन हो जाता है तो गले में धारण कर लीजिएगा, स्थिर लग्न में कीजिएगा और देखिएगा आर्थिक पक्ष सबल होगा, उन्नति होगी। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से दुर्घटना का भय एक तो है और दूसरी बात शरीर में व्याधि का भय है, है ना, कोई एलिमेंट पकड़ सकता है, कोई हेल्थ इश्यूज आएंगे और इन हेल्थ इश्यूज के आने की वजह से तनाव बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष कमजोर भी हो सकता है। और आर्थिक उन्नति के लिए जितने प्रयास करने चाहिए, जितनी कर्मठता और अनुशासन चाहिए, हो सकता है कि उसमें आप विफल हो जाएं, तो फिर आर्थिक पक्ष कमजोर होगा। लेकिन मां लक्ष्मी चाहती है कि आपकी उन्नति हो। इस दिवाली से अगले दिवाली तक का जो समय है यह अति शुभ है और इस शुभ समय में आप शुभता प्राप्त करें। इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करते रहिएगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप आप जरूर करते रहिएगा। और एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत सरल है, लोगों को इत्र बांटा कीजिएगा, लेकिन ये शुद्ध इत्र हो, ये थोड़ा महंगा होता है। चलिए इत्र नहीं बांट पा रहे हैं तो केसर बांटा कीजिए लोगों को, शुद्ध केसर, लाभ होगा, स्वस्थ रहेंगे, तरक्की होगी। तो इस दिवाली से अगली दिवाली के बीच में मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी, नारायण कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आपकी दीपावली बहुत शुभ हो। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए समय थोड़ा कमजोर है, स्वास्थ्य की वजह से, वैमनस्य की वजह से, रिश्तों की वजह से, घर गृहस्थी की वजह से आर्थिक नुकसान हो सकता है। मैं पहले आर्थिक चिंता नहीं कर रहा हूं आपका, तो इस दिवाली से अगली दिवाली के बीच में आप अपने काम पर मुस्तैद रहिएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कोई जवान सीमा पर मुस्तैद रहता है, एक दुश्मन भी ना आ जाए, एक परिंदा भी पर ना मार जाए, ठीक उसी तरीके से एक गलत निर्णय भी आपके जीवन में ना आ जाए,
कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर आपकी जिंदगी में घुसकर नुकसान ना कर जाए। ध्यान रखिए, हो सकता है ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो अगर आप नौकरी करते हैं तो, बहुत धैर्य से समय निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि माँ लक्ष्मी नहीं चाहती कि वो आपको कृपा दें, वह तैयार है, लेकिन मैं आपको इंडिकेशंस दे रहा हूं जिनसे कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है या माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। तो इन बातों का आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और महीने में 2 दिन अष्टमी पड़ती है, ये उपाय बता रहा हूं। अष्टमी के दिन 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन जरूर दे दीजिए, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ धन दे दीजिए, जरूरतमंद किसी छोटी कन्या को वह धन दे दीजिए। और कभी कभार किसी भी बृहस्पति को कुछ पुस्तकों का दान अवश्य किया कीजिएगा, और देखिएगा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती रहेंगी, आपकी उन्नति तरक्की होती रहेगी, सुख शांति आएगी। इस दिवाली से अगली दिवाली के बीच में कुछ विशेष करने के योग हैं, बशर्ते आप सुख शांति से रहें, रिश्तों को शांत रखें और सबसे बना कर रखें। स्वास्थ्य की जहां तक बात मैं करूं, स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता रहेगी, ठंड का प्रकोप, गले की समस्या, सांस की समस्या, पेट की समस्या, मूत्र स्थान की समस्या, ये समस्याएं जो हैं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, नारायण जिसके साथ हो, जिस राशि को कह रहे हो कि हम तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं, तो वहां समस्या कैसे हो सकती है? नहीं होगी। करना क्या होगा? लाल रंग का धागा माता के या बड़ी बहन के हाथ से आप अपने गले में धारण कर रहे हैं, और जिनके पास गुरु हैं तो वह लाल रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में उनसे बंधवा लें, आशीर्वाद ले लें, और एक नियम बना लें, हर वक्त सौंफ और मिश्री अपने पास किसी डिबिया में रखा करें, खुद भी खाएं, मित्रों को भी खिलाएं। पानी की कमी शरीर में होने ना दें, और पानी चांदी के गिलास में पिए तो क्या कहने। सबसे बना के रखिए और ये उपाय करते रहिए, और देखिएगा इस दिवाली से माँ लक्ष्मी की कृपा अगली दिवाली तक तो बरसनी तय है। मैं भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, दिवाली शुभ हो, स्वस्थ रहें, और आप आर्थिक रूप से सबल बने, उन्नति करें। तो ये जो मैंने आपको आपका राशिफल बताया, ये जन्म राशि के अनुसार बताया। अब जिनको उनकी जन्म राशि नहीं पता, वो अपने प्रसिद्ध नाम के अनुसार भी अपनी राशि ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी समय खराब हो हमें ज्यादा मेहनत के लिए तैयार होना चाहिए, ज्यादा दिव्य शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने प्रभु के चरणों में ज्यादा बैठना चाहिए। बुरा वक्त निकल जाता है, दिवाली कुछ अच्छे परिणाम लाएगी, देश के लिए भला होगा, जब देश का भला होगा हम सबका भला वैसे ही हो जाएगा। तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक ये उपाय करते रहिए, लाभ प्राप्त करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, और मेरी शुभकामनाएं एबीपी के सभी दर्शक स्वीकार कीजिए। प्रणाम करता हूँ, दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, राम राम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।